प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, आप अपनी मसाजिद कमेटियों से बात करें, उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। इंशाल्लाह नारे मत लगाइए, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, नारे मत लगाइए। इंटरनेशनल कोर्ट को जाएंगे इंशाल्लाह जरूर, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देखिए, संविधान जिसने बनाया था अंबेडकर, अंबेडकर के ग्रैंडसन ने ऐलान किया कि वो भी हमारे साथ एहतजाज में है, तो वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, और डेफिनेटली हम लोग फाइट करेंगे और जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह। केसीआर सर को भी यहाँ पर दे रही हूँ मैं, केसीआर सर, और ईगली वेटिंग टू केसीआर सर, क्योंकि उनकी वॉइस सुनने के लिए। केसीआर सर, केसीआर हमारे क्या नाम है, आंध्र के जो प्राइम मिनिस्टर है जगनमोहन रेड्डी, आंध्र के सीएम और हमारे सीएम दोनों मिलके इमीडिएटली क्या है ना, पीआईएल फाइल करना चाहिए रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट में, डेफिनेटली, जैसा केरला ने किया। आप लोग क्या है ना खामोश बैठेंगे तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है, प्लीज। आप चाहते हैं कि केसीआर साहब भी रेजोल्यूशन असेंबली में पास करें? असेंबली में पास, बिल्कुल बिल्कुल। लीगली वेटिंग सर, वी आर वेटिंग फॉर हियरिंग योर वॉइस, ऐसा नहीं कि हम कुछ बोले इलेक्शन के मैटर, इलेक्शन के टाइम। मैडम आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं? कन्वीनर, तेलंगाना कन्वीनर हूँ, और इंशाल्लाह ये फाइट जरूर करेंगे हम लोग, जैसे इंशाल्लाह विल सक्सेस। जैसा कि जुमे के दिन जो प्रोग्राम रखा गया, आप लोग उसमें क्या हिस्सा लेंगे? देखिए हम लोग बिल्कुल भी हिस्सा ले रहे हैं, और हम लोग ऐसा नहीं एक ही जगह नहीं, जहाँ पर भी एहतजाज चलेगा। चौकीदार है, बट हमें ये नहीं पता था कि अमित शाह के और मुकेश अंबानी के चौकीदार है। बापू हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है, इसीलिए हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस का साथ में इंशाल्लाह जरूर होगा, दुआओं से भी करेंगे, दुआओं से भी करेंगे इंशाल्लाह, और आप क्या है ना लड़ेंगे भी हमारे लगाइए, और अपनी जिम्मेदारी को